कोई भी धर्मगुरु हो, राजनेता हो, किसी संगठन से जुड़े हो, जिनके जो फॉलोअर्स हैं वो फॉलोअर्स अपनी मर्जी से वहां तक आते हैं, अपनी मर्जी से सुनते हैं, अपने विवेक के स्तर से वो छानते हैं दूध क्या है, पानी क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, विश्वास क्या है, पाखंड क्या है, ढोंग क्या है। ये सबके भीतर विवेक है और इसीलिए सत्संग विवेक को प्रदान करता है। वो स्वामी तुलसीदास कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक कहते ही उसको है जिससे आप ये पहचान सके कि ये जादू हो रहा है, ये कला हो रहा है, ये विद्या है, ये सिद्धि है, ये रिद्धि है, ये निधि है। इट्स डिपेंड अपॉन यू, आप जज करिए उसको क्या है क्या नहीं है। मेरा ये कहना है कि किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता को, अपने मत के प्रचार के स्वतंत्रता को आप चैलेंज नहीं कर सकते। सभी अपने मत को प्रकाश करने के लिए इस देश में स्वतंत्र हैं। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने ऐसा कभी सवाल उठाया या उठाते हैं उनको भी पूरा अधिकार है, मैं ये भी आपके चैनल पे कह रहा हूं, उनको भी पूरा अधिकार है किसी चीज के ऊपर में बोलने का, क्योंकि भारत देश में, लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। संविधान सम्मत ये देश है, संविधान के तहत ये देश चलता है। और जब भी मैं आपके चैनल पर बैठा हूं तो मैंने यही कहा है, राष्ट्र सर्वोपरि, संविधान सर्वोपरि, हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारा सनातन संस्कृति जो हमारे रगों में दौड़ती है, उसका प्रचार प्रसार करने का सबको हक है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को किसी संस्था के साथ जोड़कर, पूरे देश के साथ जोड़कर, हिंदुइज्म के साथ जोड़कर, सनातन संस्कृति के साथ जोड़ करके आक्षेप लगाना, उनके ऊपर बुराइयों का भंडारा कर देना, उनको बता देना कि देखिए ये धर्म में ऐसा होता ऐसा होता, मैं समझता हूं हर विषय पर चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए। और अगर समाज में पाखंड व्याप्त है, दंभ व्याप्त है, तो उस पाखंड और दंभ को समाप्त करने के लिए ये लोकतंत्र का चौथा, जो आपने आपके चैनल पे मैं बैठा हुआ हूं, ये चौथा स्तंभ भी है, इस स्तंभ पे सारे दूध के दूध और पानी के पानी होते हैं, आपको दिखाने का अधिकार है। बिल्कुल गुरुदेव, आप किसी के पाखंड को भी दिखा सकते हैं।